हमारे भारत में तो अलग अलग प्रकार की बसें चलती हैं और जिनमें से कुछ ब्रांड्स को नोटिस भी नहीं किया गया है। उनमें से ही एक ब्रांड है मैन, जिसे हम MAN नाम से भी बुलाते हैं। इस कंपनी ने हमारे भारत में बहुत सारी गाड़ियों का निर्माण किया, चाहे वो ट्रक्स हो, चाहे वो बसेस हो, चाहे वो ट्रेलर्स हो या चाहे वो पुलर ट्रक्स ही क्यों ना हो। पर इस कंपनी के कुछ ही गाड़ियों को लोगों ने पसंद किया और बाकी की गाड़ियों की तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पर दोस्तों, भारत के अलावा इनके बहुत सारे जगहों पर इनकी बसेस और ट्रक्स का चलन चलता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन कंपनी की नई लायन कोच के बारे में। जी हाँ, इस बस का लुक देखकर इसके प्यार में कोई भी पड़ सकता है और ये इतनी खूबसूरत भी दिखती है। सबसे पहले जानते हैं इस गाड़ी के डिजाइन के बारे में। इस गाड़ी का डिजाइन काफी शानदार है और रास्ते पे एक शेर चल रहा है ऐसा लगता है, और काफी खूबसूरत गाड़ी बनाई है मैन कंपनी ने। और इस गाड़ी को डिजाइन अवार्ड 2018 में सम्मानित किया गया था, जो काफी बड़ी बात है, और इस कोच को वो सम्मान मिलना ही चाहिए क्योंकि ये गाड़ी दिखने के लिए बहुत खूबसूरत है। दूसरा खास फीचर जो इस गाड़ी का, वो है इसके हेडलैम्प्स। इस गाड़ी में आपको फुल्ली LED बेस्ड हेडलैम्प मिलते हैं, जो काफी अच्छा रिस्पांस देते हैं नाइट में। हेडलैम्प्स के साथ साथ आपको इस गाड़ी में LED टेल लैम्प्स भी मिलते हैं, जो गाड़ी की विजिबिलिटी को और बढ़ा देते हैं। और इस गाड़ी में आपको फुल्ली LED बेस्ड लैम्प ही मिलने वाले हैं। इस गाड़ी के थर्ड फीचर की बात करें तो वो है इसका शानदार हाई क्वालिटी इंटीरियर। इसके इंटीरियर में ऐसा क्या खास है? तो इसके इंटीरियर में आपको शानदार बकेट फिट सीट्स मिलते हैं, जिनमें आपको हेडरेस्ट भी दी गई है। इस बस के हर सीट में आपको सीट बेल्ट दिए गए हैं, जो आपकी सुरक्षित जर्नी की एश्योरिटी देते हैं। इस गाड़ी के छत पर आपको टिंटेड ग्लास स्काईलाइट दिए गए, जिससे इस गाड़ी में हल्की सी रोशनी भी आती है, जो इंटीरियर को काफी शानदार बनाती है। और इसमें आपको लगेज रैक्स भी दिए गए हैं, जिसमें आप अपना सामान रखकर इस गाड़ी में सफर कर सकते हैं। और हर सीट में आपको टैबलेट होल्डर, कप होल्डर्स विद न्यूज़पेपर होल्डर्स भी दिए गए हैं, जिससे आपकी सुविधा और बढ़ जाती है। गाड़ी के हर सीट में आपको USB पोर्ट दिए गए हैं, जो गाड़ी में बैठे पैसेंजर को अपने टैबलेट फोन को चार्ज करने की सुविधा देता है। और इस गाड़ी में आपको पेंट्री की सुविधा भी दी गई है, जहां से आप अपने कस्टमर्स को चाय कॉफी वगैरह भी दे सकते हैं। और इसी फीचर के साथ साथ आपको इस गाड़ी में अपर साइड में रूप माउंटेड लैंप्स मिलते हैं, और रूप माउंटेड AC वेंट्स का प्रावधान भी किया गया है, जिससे आप अपनी जर्नी को और सुखकर बना सकते हैं। इस गाड़ी का फोर्थ फीचर है इसका शानदार कैबिन। जी हाँ, ये कैबिन इर्गोनॉमिकली डिजाइन किया गया है, जिससे ड्राइवर एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से जा सकता है। और इस गाड़ी का इंजन पीछे होने के कारण आपको बड़ा कैबिन एरिया भी मिल जाता है। इसमें आपको काफी स्पेशियस कॉकपिट मिलता है। इसी के साथ साथ जो इसके कंट्रोल्स वगैरह है, जैसे कि AC के कंट्रोल्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स, और जो एडिशनल कंट्रोल्स इसमें दिए गए हैं, वो भी काफी इसमें अच्छी पोजीशंस पर माउंट किए गए हैं। और इसी के साथ साथ ये काफी स्टाइलिश लगता है, जो ड्राइवर को काफी अच्छा फीलिंग देता है। इस गाड़ी का अगला फीचर जो है, वो है इसके सेफ्टी के बारे में। इस गाड़ी में जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसे हम स्केलेटन भी कहते हैं, तो वो ECE R62.0.2 स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है, जिसमें गाड़ी की जो एक्सीडेंट की एनर्जी होती है, मतलब जब गाड़ी कहीं पर ठुकती है तो इसकी जो क्रैश एनर्जी होती है, वो ये स्केलेटन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण दोस्तों अंदर बैठे पैसेंजर को बहुत ही कम डैमेज होता है और इसमें आप सुरक्षित जर्नी आपकी कर सकते हैं। अब उन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं जो आपको इसके हर वेरियंट में मिलने वाला है, जैसे कि फुल LED हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम, मैन ब्रेक मैटिक, मैन ट्रिप मैटिक, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, लेन गार्ड सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसे आपको बेहतरीन फीचर इसके हर किसी वेरिएंट में मिल जाते हैं। अभी इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें आपको कुल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, जिनमें से सिंगल एक्सल, जिन्हें हम डबल एक्सल कहते हैं, तो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, और जो मल्टी एक्सल वेरिएंट है, जिसे हम 3 एक्सल कहते हैं, तो उसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल एक्सल वेरिएंट्स की, तो इसमें आपको कुल 2 वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें पहले वेरिएंट का नाम है लायन कोच और दूसरे वेरिएंट का नाम है लायन कोच C, जिसे हम 2 एक्सल का सबसे बड़ा वेरिएंट कह सकते हैं। इस गाड़ी का सबसे पहला वेरिएंट है लायन कोच, जिसकी लेंथ 12.1 मीटर के आसपास है, और विड्थ जो है इसकी 2.5 मीटर है, और ओवरऑल हाइट जो इस गाड़ी की है 3.8 मीटर के आसपास है। इस गाड़ी के इंजन की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको D276 LOH कॉमन रेल 6 सिलेंडर डीजल इंजन मिलने वाला है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी 12,419 cc की है, जिसमें आपको 430 की पावर मिलती है 2,200 Nm के टॉर्क के साथ, जो काफी अच्छी बात है। इस गाड़ी में आपको 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है, जो 430 hp वेरिएंट के लिए आता है, और इसी के साथ साथ इसमें आपको 53 seats की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, जिसमें आप 53 पैसेंजर को आराम से बिठा सकते हैं। और इस गाड़ी का जो टोटल वेट है वो 19,700 kg के आसपास है। इसका अगला वेरिएंट जो है वो है लायन कोच C, जो 2 XL वेरिएंट में सबसे बड़ा वेरिएंट है। इसकी जो लेंथ है वो 13 मीटर की इसमें लेंथ मिलेगी,
विड्थ की बात करें तो इसमें आपको 2.5 मीटर्स की विड्थ मिलेगी। ओवरऑल हाइट की बात करें तो इसकी ओवरऑल हाइट 3.9 मीटर के आसपास है। और इसी के साथ साथ इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें आपको D2676 LOH कॉमन रेल 6 सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा, जो इसके लोअर वेरिएंट लायन कोच में मिलता था। इसकी जो कैपेसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी जो है, वो एक जैसी है। और इस वेरिएंट में भी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक जैसे दो ऑप्शन दिए गए हैं गियरबॉक्स में, जिसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स 6 स्पीड के साथ आता है और मैनुअल गियरबॉक्स 12 स्पीड के साथ आता है। और इसी के साथ साथ इस गाड़ी में आपको 59 पैसेंजर सीट की कैपेसिटी मिलती है, जो इसके लोअर वेरिएंट लायन कोच से 6 सीट ज्यादा है। ये तो बात हो गई इसके सिंगल एक्सल वेरिएंट्स की, जिसे हम 2 एक्सल वेरिएंट भी कहते हैं। तो अभी हम जानेंगे इसके मल्टी एक्सल वेरिएंट की, जिन्हें हम 3 एक्सल वेरिएंट भी कहते हैं। तो इनमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, लायन कोच सी और लायन कोच एल, जिसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया। तो लायन कोच सी की बात करते हैं तो लायन कोच सी में आपको 13.3 मीटर की लेंथ मिल जाती है। विड्थ की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 2.5 मीटर्स की विड्थ मिल जाती है। और इस गाड़ी की ओवरऑल हाइट की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 3.8 मीटर्स की हाइट मिल जाती है। अब जानते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो लायन सीरीज में आपको D2676 इंजन जो है वो कॉमन मिलेगा, पर इनमें जो फर्क है वो ट्यूनिंग का है, क्योंकि इसमें पावर कुछ वेरिएंट्स में ज्यादा है, कुछ वेरिएंट्स में आपको पावर कम मिलती है। तो इस वेरिएंट में आपको 470 एचपी की पावर मिल जाती है 2400 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ, जो आपको D2676 इंजन से ही मिलती है, जिसकी कैपेसिटी 12490 सीसी की है। इस गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको 57 सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जो 13.3 मीटर की सबसे बराबर है। और इसी के साथ साथ इस गाड़ी का टोटल वेट जो है 25.5 टन के आसपास है। आप जानते हैं इसके सबसे बड़े वेरिएंट के बारे में, जिसका मॉडल नेम है लायन कोच एल। जी हाँ, इस गाड़ी की लेंथ की बात करें तो इस गाड़ी की लेंथ 13.9 मीटर है, जो 14 मीटर के आसपास है। इस गाड़ी की विड्थ की बात करें तो इस गाड़ी की विड्थ 2.5 मीटर है। और ओवरऑल हाइट की बात करें तो इस गाड़ी की ओवरऑल हाइट 3.8 मीटर के आसपास है। इस गाड़ी की इंजन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में आपको D2676 LOH कॉमन रेल 6 सिलेंडर डीजल मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 510 यानी 510 एचपी का आपको इसमें इंजन मिल जाता है। पर अगर आप चाहे तो आपको लायन कोच सी, जो इसके छोटे वेरिएंट है, तो उनमें भी आपको ये इंजन ऑप्शन मिल जाता है। इंजन के साथ साथ बात करेंगे गियरबॉक्स की, तो इस गाड़ी में आपको मैन टिकमेटिक ऑटोमेटिक 12 स्पीड मैनुअल मिल जाता है, विद इजी स्टार्ट आपको मिलता है। और अगर आप इसके 470 एचपी का वेरिएंट लेते हो तो ही आपको इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा, पर इसके 510 एचपी वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और इसी के साथ साथ इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो इस गाड़ी में आपको 61 पैसेंजर यानी 61 पैसेंजर आप इस गाड़ी में बैठा सकते हैं, जो काफी ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, मुझे पता है आपको इन गाड़ियों के गियरबॉक्स और इंजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं आपको वो दूर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इनमें सबसे पहले जो दो वेरिएंट्स है, लायन कोच और लायन कोच सी, तो उनमें आपको 430 एचपी और 470 एचपी ऐसे दो आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इंजन के। और जिनमें अगर आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स लेना चाहते हो तो आपको इसके 470 एचपी वेरिएंट को चूज करना पड़ेगा, पर अगर आपको इसके मैनुअल ट्रांसमिशन की ओर जाना होगा तो आपको इसके 430 एचपी वेरिएंट को ही चूज करना होगा। और जो इन गाड़ियों की मल्टी एक्सल रेंज है, लायन कोच सी और लायन कोच एल, इनमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 470 एचपी और 500 एचपी। पर अगर आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स चाहिए होगा तो आप इसके 470 एचपी वेरिएंट को ही कंसीडर कर सकते हैं। आपको 510 एचपी वेरिएंट में आपको सिर्फ मैनुअल ऑप्शन ही मिलेगा। अगर इसे आसान भाषा में कहे तो अगर आपको मैन बसेस में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाला ऑप्शन चाहिए होगा तो आप इसके 470 एचपी वाले इंजन ऑप्शन को ही कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई इंजन ऑप्शन में इसके ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलते हैं। दोस्तों, अभी बात करेंगे इस गाड़ी की कीमत की, तो इनमें से मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएंट की कीमत अवेलेबल है, जो लायन कोच एल, जो इस गाड़ी का सबसे बड़ा वेरिएंट है और सबसे पॉपुलर वेरिएंट है। तो इसकी सबसे टॉप वेरिएंट की कीमत जो है वो 2,80,000 यूरो है। जी हाँ, 2,80,000 यूरो, यानी हमारे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इस गाड़ी की कीमत भारतीय रुपयों के अनुसार 2.5 करोड़ यानी 2,50,00,000 के आसपास जाती है। पर अगर आपके मन में ऐसा ख्याल होगा कि हम इसे दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा लेंगे, तो देखिए दोस्तों, इसकी इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कीमत ऑलमोस्ट 4.7 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास होगी। मतलब इससे दुगना कॉस्ट आपको देना पड़ेगा अगर आपको इसको इंडिया में मंगाना होगा। पर एक चीज़ हो सकती है, अगर मैन कंपनी इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करती है
और इसका प्रोडक्शन इंडिया में करती है तो इसकी कीमत ऑलमोस्ट 1 से 1.5 करोड़ के बीच हो सकती है, जैसे हमारी वोल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज बेंज जैसी बसेस की होती है। आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको बसेस में इंटरेस्ट है और बसेस के ऑपरेटर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जाननी होगी तो आप हमारे दूसरे चैनल सागर 95 को भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर हमने VRL, SRS, Orange, Purple जैसे बड़े बड़े ऑपरेटर्स की वीडियो बनाई है, आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियोस को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बरकरार रखें, यहीं पर रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।